मध्य प्रदेश के मनावर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत जाजम खेड़ी सरपंच व सचिव ने मिलकर लाखों रुपए की राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नौनिहालों के लिए बनाए जा रहे आंगनवाड़ी भवन की राशि 2 वर्ष पूर्व निकाली गई थी, लेकिन राशि निकलने के 2 वर्ष बाद भी अभी तक भवन का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके चलते नौनिहाल आज भी भवन के लिए तरस रहे हैं। नौनिहाल 50 वर्ष पुराने भवन में भविष्य बनाने को मजबूर है, लेकिन सरपंच व सचिव को शासन का कोई डर नहीं। किस प्रकार शासन की राशि का दुरुपयोग कर कई प्रकार के फर्जी बिल लगाकर राशि हड़प ली है, इस संबंध में सीईओ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। एक तरफ ग्राम जाजम खेड़ी की नवीन मॉडल स्कूल को एसडीएम ने गोद ले रखा है, वहीं नौनिहालों की जिंदगी खिलवाड़ से हो रही इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। जगदीश भुरिया, जाजम खेड़ी। आंगनवाड़ी भवन कब से बन रहा है निर्माण? ये निर्माण हो गया, इसको 1 साल पहले, पर अभी तक बना नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है। अभी बच्चे कहाँ पे बैठते हैं? ये कभी इधर बैठते थे, कभी इधर थे। स्कूल में दो ही तरफ टूटी हुई है, पहले पंचायत पहले ही वो थी ना, वो आंगनवाड़ी टूटी हुई है पूरी, तो अभी इधर से इधर भग जाते नहीं, बैठते हैं इधर, बैठते नहीं उधर, बैठते हैं बीच में ही बैठ रहे खुले में। अभी तो मेरा नाम मंजुला डाडवेल है और आंगनवाड़ी की सहायिका हूँ। ये आंगनवाड़ी भवन आप आंगनवाड़ी कहाँ पे लगाते हैं? आंगनवाड़ी हम बाहर बच्चे उनको बिठाते हैं, और जब से मैं लगी हूँ जब से बाहर ही बिठा रहे, उसके पहले भी आंगनवाड़ी नहीं थी। कितना समय हो गया आपको? 12 साल ऊपर हो गए। अभी जो आंगनवाड़ी भवन बन रहा है वो अभी तक कोई पता नहीं है, अधूरा जी। आपने इसकी शिकायत वगैरह कभी की है? मैडम ने दी थी, लेटर लिख के दिया था। तो क्या हुआ? वो बोल रहे हैं कि अब बन जाएगी बन जाएगी। कितना समय हो गया इसको? साल भर, 1.5 साल हो गए। मोहनलाल सोलंकी, ग्राम पंचायत जाजम खेड़ी, उप सरपंच। ये आंगनवाड़ी भवन कब से निर्माण कर रहे? ये 1.5 साल पुराना है और इसकी राशि पूरी निकाल ली गई है, और वो आंगनवाड़ी भवन अभी तक अधूरा है। अभी आंगनवाड़ी के बच्चे कहाँ पे बैठते? ये जो 50 साल पुरानी बिल्डिंग है उसमें बैठ रहे हैं, और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अगर इसकी जांच की जाए तो बहुत घपले निकलेंगे सब। और ये शमशान घाट वाला जो रोड सीसी रोड है वो पूर्ण बताया गया है कागजों में, जो अभी तक वहाँ एक ट्राली मुरुम बिंडली है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।